और बात करते हैं जहां ग्वालियर में एक मजिस्ट्रेट की पत्नी ने जेठ और जेठ के ससुर पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि उसके साथ छेड़छाड़ पति की मौत के तीसरे दिन की गई है। पति की तेरहवीं के अगले दिन उसे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था। इससे पहले जेठ ने 4 साल की बेटी को बालकनी से उल्टा लटका दिया, डराकर कोरे कागजों पर साइन भी करा लिए हैं। 45 तोला सोने चांदी के जेवर, कैश और दूसरा सामान भी छीन लिया है। घर से निकाले जाने पर महिला मायके लखनऊ पहुंची और मामले की शिकायत की। पुलिस ने शिकायत पर शून्य पर मामला दर्ज कर केस डायरी बहोड़ापुर थाने भेज दी है। केस डायरी आने के बाद बहोड़ापुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। 32 साल की महिला ने पुलिस को बताया कि शादी 10 फरवरी 2012 को ग्वालियर में हुई थी। पति मजिस्ट्रेट थे। शादी के बाद पति का ट्रांसफर जबलपुर हो गया था। कोविड काल के दौरान 3 अगस्त 2020 को हार्ट अटैक से पति की मौत हो गई। वह पति के शव को लेकर ग्वालियर में बहोड़ापुर विनय नगर अपनी ससुराल आ गई थी। यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। जब वह आई थी तो अपने साथ 1,18,000 रुपए लेकर आई थी, जिसे उसके जेठ और जेठानी ने ले लिया था। पति की मौत को अभी 3 ही दिन हुए थे कि रात 9:30 बजे जब वह किचन में थी तो उसके जेठ शराब के नशे में अंदर आए और उसके साथ छेड़छाड़ की। जब विरोध किया तो जेठ ने उसके साथ मारपीट भी की। किसी तरह उसने खुद को बचाया और 4 दिन बाद जेठ का ससुर उसके कमरे में आया और उसने भी छेड़छाड़ की। विरोध करने पर पीटा। पति की तेरहवीं के अगले ही दिन जेठ जेठानी ननद सजेठ के ससुर उसके कमरे में आए और उसकी 4 साल की बेटी को बालकनी से उल्टा लटांग कर मारपीट की। उससे जबरन कोरे कागज पर साइन करा लिए, उसके जेवर छीन कर घर से भगा दिया। मामले में बहोड़ापुर थाना पुलिस के अफसरों का कहना है कि पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जाँच की जा रही है। जाँच में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BR24 न्यूज़।